हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटर 4 का यूज करके लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि यूजर का लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज और यूजर डैशबोर्ड पेज होगा। हम यूजर का लॉगिन पेज को ओपन करते हैं जिसमें यूजर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद हम यूजर के डैशबोर्ड पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर यूजर की प्रोफाइल पेज और लॉग आउट करने के लिंक हैं। हम यूज़र की प्रोफाइल के लिंक पर क्लिक करके यूज़र की प्रोफाइल के पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर हम यूज़र के बेसिक डाटा को अपडेट कर सकते हैं और लॉगआउट के लिंक पर क्लिक करके लॉगआउट हो सकते हैं। लॉगआउट होने के बाद वापस से हम लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं और हम कोऑर्डिनेटर 4 को किस तरह से लोकल सर्वर में इंस्टॉल और सेटअप, फॉर्म वैलिडेशन, डाटा क्यूइंग और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर मैंने इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी होगी तो आपको ऊपर की तरफ आई बटन में शो होने लगेगी, जिस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं मामूली नेक्स्ट वीडियो में। बाय।